शुरुआत करते हैं उपचुनाव के रण के साथ, क्योंकि राजस्थान में सियासत का आज सुपर शनिवार है। वल्लभनगर और धरियावद दो सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग है। दोनों ही सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कोविड गाइडलाइन के तहत वोटिंग होगी। वोटिंग को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। धरियावद बीते चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी, वल्लभनगर कांग्रेस के खाते में गई थी। ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ प्रचार, मैन टू मैन मार्किंग दोनों ही सीटों पर दोनों पार्टियां करती हुई नजर आई। इसके अलावा निर्दलीय अलग से ताल ठोकने वाले और दूसरी पार्टियों ने भी किस्मत आजमाने की कोशिश की है, लेकिन कहा जा सकता है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। एक तरफ वल्लभनगर, जहां कांग्रेस के लिए सीट को बचाना जरूरी, वहीं धरियावद की सीट को बचाना बीजेपी के लिए जरूरी। आज वोटिंग है, टाइम को बढ़ाया गया है, कोविड प्रोटोकॉल के तहत टाइम को बढ़ाया गया ताकि ज्यादा भीड़ सेंटर पर ना हो, और इसलिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, यानी कि अगले कुछ सेकंड के अंदर मतदान शुरू हो जाएगा। आपसे भी अपील है कि सुबह सुबह घर से निकलिए, शनिवार का दिन है, अपने मत का इस्तेमाल करके आइए, अपने विधानसभा क्षेत्र की बेहतरी के लिए एक बेहतर प्रत्याशी को वोट कीजिए, क्योंकि जो वोट आप करेंगे वो अगले 2 साल तक आपके क्षेत्र की विकास का खांचा तैयार करेगा। लेकिन आपको दिखाते हैं कि दोनों ही सीटों पर स्थानीय मुद्दे क्या कुछ रहे हैं। वल्लभनगर कस्बे को नगरपालिका मुख्यालय बनाना ये स्थानीय मुद्दा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक इकाई की स्थापना करना ये स्थानीय मुद्दा रहा है, जिसके आधार पर वोट पड़ सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र को नेशनल हाईवे से जोड़ना ये भी स्थानीय मुद्दा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं ये भी जरा खंगालते हैं। भिंडर में सैटेलाइट अस्पताल की स्थापना करना ये भी स्थानीय मुद्दा रहा है। इसके अलावा 152 गांव के लिए पेयजल प्रोजेक्ट कसोटिया बांध का निर्माण करना स्थानीय मुद्दा है। सड़क, पानी, दरियावद में कृषि मंडी स्थापित करवाना ये भी स्थानीय मुद्दा है। खेल मैदान की स्थापना कराना ये भी स्थानीय मुद्दा है। कन्या महाविद्यालय स्थापित करवाना ये भी वहां का मुद्दा जिसके आधार पर वोट पड़ेंगे। पंचायत मुंगाना को उप तहसील बनाना, दरियावद महाविद्यालय में सीटों को बढ़ाना, महाविद्यालय का स्टाफ भी बढ़ाना, ये हम दरियावद उपचुनाव के स्थानीय मुद्दे आपको बता रहे हैं। जबकि वल्लभनगर कस्बे को नगर पालिका मुख्यालय बनाना और विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक इकाई की स्थापना करना। वल्लभनगर से मेरे सहयोगी रवि शर्मा जुड़ चुके हैं। रवि, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जाहिर है वहां पर थोड़ी सी सर्दी महसूस हो रही होगी, लेकिन सियासी गर्मी शुरू हो गई होगी। 7 बज चुके हैं, वोट पड़ने शुरू हो चुके होंगे, किस तरीके का सुबह सुबह का माहौल? बिल्कुल ब्रजेंद्र, गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं फिलहाल धरियावद विधानसभा में, धरियावद जो मुख्यालय है वहां पर हूं, और ये जो मतदान केंद्र है जो कि आदर्श मतदान केंद्र इसलिए है कि इस मतदान केंद्र की सभी व्यवस्थाएं जो हैं महिला कार्मिक जो हैं वो संभाल रहे हैं। और धरियावद मुख्यालय पर ये मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पर पोलिंग पार्टीज के सभी सदस्य जो हैं वो महिला हैं, और इस पर खास व्यवस्थाएं, खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अभी तक मतदान जो है वो शुरू होने में कुछ थोड़ी सी देर बाकी है, लेकिन उससे पहले और माफ़ कीजिएगा, मतदान मतदाता जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ब्रजेंद्र, देखिए एक महिला मतदाता जो हैं वो काफ़ी जागरूक हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना गाइडलाइंस पूरी तरीके से फॉलो हों, जिस तरीके की राज्य निर्वाचन आयोग के जो राज्य निर्वाचन विभाग की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक मतदान हो, इसी को लेकर कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर है। और इसके अलावा सबसे खूबसूरत बात यह कि जैसे ही मतदान का समय जो है 7 बजे निर्धारित है,
और जैसे ही मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू हुई, मतदाता जो है वो यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। एक महिला मतदाता यहां पहुंची हुई हैं, उसके अलावा और भी कुछ मतदाता हैं। तो ब्रजेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात ये कि आज का दिन बेहद खास है। अगर धरियाबाद विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं और 257,624 मतदाता जो हैं वो यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरी कोशिश निर्वाचन विभाग की ओर से की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान जो है वो यहाँ पर हो सके। और आप देखिए किस तरीके से महिला कार्मिक जो हैं वो इस पूरे मतदान केंद्र की व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। तो आज जो है पूरे दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान जो है वो सुचारू रहेगा। यहाँ पर पूरी कोशिशें निर्वाचन विभाग की ओर से हैं निष्पक्ष और निर्भीक मतदान जो है पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, और इसी को लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। मॉक पोल जो है वो किया गया और अब मतदाता यहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें अंदर प्रवेश देकर और मतदान को सुचारू ढंग से चालू करा दिया जाएगा। जी, और इस दौरान आपको दोनों ही पार्टियां किस तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, और मानकर चलें कि मुख्य रूप से मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच में होगा, यानी कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। लेकिन चूंकि बीटीपी जो है, जो कि इस आदिवासी इलाके में काफ़ी सक्रिय पार्टी रही है, तो बीटीपी के जो एक बागी उम्मीदवार हैं, जो कि बीटीपी के अधिकृत उम्मीदवार के सामने मैदान में हैं, उन्होंने थोड़ी सी कश्मकश यहाँ पर जरूर बढ़ा दी है। लेकिन पूरी जोर जो लगाया वो भाजपा और कांग्रेस जो है, उन्होंने उनके जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस इलाके में काफ़ी सक्रिय रहे, उन्होंने यहाँ पर पूरा जोर लगाया, पूरी जोर आजमाइश की अपने अपने पार्टी प्रत्याशी की जीत को लेकर। तो बड़ा जो मुकाबला है, कड़ा जो मुकाबला है, वो भाजपा और कांग्रेस के बीच है। लेकिन देखिए चुनाव है ब्रजेंद्र, और जो वोटर है उसके मन की तह लेना बड़ा मुश्किल होता है किन मुद्दों पर, किस बात पर, किस विश्वास पर मतदाता मतदान करेगा, ये उसकी थाह ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश की, जनसंपर्क किया, और सभी अपने अपने मन में एक आत्मविश्वास लेकर बैठे हैं कि मतदाता जो है उनकी बातों से आकर्षित हुआ है, मतदाता उनके जो वायदे हैं उनसे प्रभावित हुआ है। अधिकारी करते ही हैं, निर्वाचन विभाग करता ही है, लेकिन पार्टियां भी करती हैं बूथ मैनेजमेंट, यानी कि वोटर्स को घर से लाना, वहां तक लेकर आना, फिर वापस छोड़ना, और अक्सर ये आखिरी दाव होता है जिसके जरिए तय भी होता है कार्यकर्ताओं के जरिए कि कौन कितना ज्यादा एक्टिव और कितना ज्यादा सक्रिय है और जीतने की उम्मीद किसको ज्यादा है। अभी सुबह सुबह आपको दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता एक्टिव नजर आ रहे हैं मैनेजमेंट को लेकर? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, आपने जैसा कि शुरुआत में कहा था कि थोड़ी सी सर्दी जरूर है, और ये सर्दी धीरे धीरे ही गर्मी में तब्दील हो पाएगी। तो अभी जो मतदान यहाँ पर, जो हम लोग इस मतदान केंद्र के बाहर से जब आए थे तो बहुत ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं थे। फिलहाल जो बूथ्स हैं वो बनाए जरूर गए हैं 200 मीटर दूर, जो अधिकृत, माफ़ कीजिएगा, जो पार्टीज़ के जो बूथ्स हैं वो बनाए जरूर गए हैं, लेकिन उन पर अभी तक उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं दिखी। हालांकि ये जरूर है कि मतदान केंद्र पर जो राजनीतिक पार्टियों के जो अधिकृत एजेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनके पास बकायदा उनकी वोटर लिस्ट है, जिस भाग संख्या के मतदाता इस पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उन सभी की लिस्ट उनके पास में है, और वहाँ पर पूरा बकायदा उनका। वल्लभ नगर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी लूणाराम जुड़ चुके हैं। लूणाराम, गुड मॉर्निंग, क्या पहला वोट पड़ चुका है? लूणाराम, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो सवाल यह है कि क्या पहला वोट पड़ चुका है, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है।
वल्लभ नगर में भी देखा जाए कि उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो मतदाता है वो पहुँचे हुए हैं और तमाम जो व्यवस्था है प्रशासन की ओर से वो पहले ही पूरी कर ली गई थी। और जरूर है कि मतदाताओं की अभी लंबी कतारें नहीं लगी है, लेकिन जरूर है कि मतदाता पहुँचे हुए हैं। ये एक संवेदनशील मतदान केंद्र है और यहाँ पर देखा जाए कि ये एक संवेदनशील मतदान 7 बजते ही यहाँ पर जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मतदाता है वो पहुँचे हुए हैं, मतदान कर रहे हैं और ये एक संवेदनशील जो मतदान केंद्र है, इसलिए यहाँ पर अतिरिक्त जो जाप्ता है वो भी तैनात है सुरक्षा की दृष्टि से। और एक शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर शुरू हो चुका है। छप्पे छप्पे पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। वल्लभ नगर उपचुनाव में 310 टोटल जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कुछ आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, दिव्यांगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है और जो मतदान के लिए पहुंचे मतदाता उनसे भी बातचीत, कैसी व्यवस्थाएं हैं? चाक चौबंदे शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो चुका है। जी सर, शांतिपूर्ण मतदान शुरू है। जो मतदाता पहुंचे हुए हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे हैं, मतदान के लिए पहुंचे हैं किस उम्मीद के साथ में और क्या विकास चाहते हैं? पानी की मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है वल्लभ नगर तहसील के अंदर, और समथिंग सबसे बड़ा जो मुद्दा है पानी का मुद्दा होगा, पानी का मुद्दा सबसे बड़ा। युवाओं में इस बार उपचुनाव में मतदान को लेकर उत्साह है? बिल्कुल है, बिल्कुल उत्साह है। और तो युवाओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और संवेदनशील मतदान केंद्र होने के चलते यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता है वो तैनात है, BSF यहाँ पर तैनात है और कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। उपचुनाव में वो किसे विधायक चुनेंगे उसलिए EVM में वो मतदान के लिए उत्साह के साथ पहुँचे हुए हैं। अभी मतदान शुरू हुआ है 7 बजे, तो अभी इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर मतदाताओं की जो कतारें हैं वो लगना शुरू हो गई है। आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं जहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ भी की गई है। आप देख पा रहे होंगे कि एक शांतिपूर्ण जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया के साथ साथ में यहाँ पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं वो कतारों में लगना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन सुबह का वक्त है, 7 बजे मतदान तय समय पर शुरू हो गया था, तो अब धीरे धीरे जो भटेवर के जो आसपास के लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो वल्लभ नगर की जो सीट है वो हॉट सीट है, हर किसी की यहाँ पर नजर है और ये हॉट सीट होने के चलते, क्योंकि उपचुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, सबकी नजरें हैं, ये हॉट सीट है और 4 प्रत्याशियों में जबरदस्त टक्कर है, जबकि यहां पर 9 प्रत्याशी में है और आज 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, EVM में कैद हो जाएगा और उसके बाद में जब परिणाम आएंगे तब तय होगा कि जनता ने किसे चुना। जी विजेंद्र, जी विजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय भी वल्लभ नगर से जुड़ गई हैं। आयुषी, आप कहां पर मौजूद हैं और जरा बताइए कि किस तरीके के मुद्दे वहां पर नजर आए जब आप लोगों के बीच में गए और वोटिंग को लेकर उत्साह सुबह सुबह कैसा है? बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि वल्लभ नगर के एक गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से हर बार चुनाव के दौरान आम मुद्दे वही रहते हैं, बात कर ले सड़क की, पानी की और बिजली की, ये 3 प्रमुख मुद्दे रहते हैं जिनके आधार पर वोटिंग की जाती है। पर ऐसे में अगर मुकाबले की हम लोग बात करें तो चौतरफा मुकाबला यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 253,831 वोटर्स आज मतदान कर सकेंगे और मतदान करने के साथ ही जो 4 प्रत्याशी मैदान में है उनके भाग्य का फैसला आज EVM में कैद हो जाएगा। तो वही आपको बता दूं कि जो मुकाबला है सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी का तो है ही, साथ ही यहां पर रणधीर सिंह भिंडर भी एक अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, तो ऐसे में ये भी है कि मुकाबले में वो भी शामिल है। तो वही बीजेपी से बागी हुए उदयलाल डांगी भी यहां पर मुकाबले में अच्छे से अपने आप को मजबूती के साथ पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पूरे इस मुकाबले की हम लोग बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदों वाली सीट है, क्योंकि बीजेपी काफी लंबे अरसे से चाहती है कि इस सीट पर वो काबिज हो पाए। पर अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो 1990 से लेकर अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार सिर्फ 2003 में ही बीजेपी यहां पर जीतने में कामयाब हो पाई। पर ऐसे में इस बार भी जो मुकाबला है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस यहां पर अच्छे प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो मतदाता तय करेंगे कि किसके पक्ष में जा रहा है किसके पक्ष में नहीं जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि 9 प्रत्याशी मैदान में है, मुकाबला किसी के बीच भी हो सकता है। सुबह सुबह जो वोटर्स के अंदर रुझान दिखाई दे रहा है वो आपको रात को जब वहां पर रुके होंगे, लोगों से बातचीत की होगी, आपने कहा कि मूलभूत सुविधाएं हैं, सवाल तो यह भी बनता है कि लंबे वक्त तक
यहाँ जिस तरीके से शासन रहा है, जिस तरीके से दबदबा रहा है, उसके बाद भी अगर मूलभूत सुविधाओं की कमी है तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? निश्चित तौर पर विजेंद्र, और ये तमाम अहम मुद्दे और ये तमाम जानकारी हम हमारे सहयोगी पीके से जानना चाहेंगे। तो पीके, देखिए मुकाबले की बात जरूर हुई कि चार तरफ से ये पूरा मुकाबला माना जा रहा है आम तौर पर, तो जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दे हैं वो आम मुद्दे ही हैं जो लगातार बने रहे हैं आम जनता के बीच में, तो ऐसे में ये जो मुकाबला होने वाला है और आज जो वोटिंग हो रही है अभी सुस्त थोड़ी सी रफ्तार है, उम्मीद यही है कि जल्दी रफ्तार बढ़ेगी भी। जिस प्रकार से हर बार मतदान की प्रक्रिया जो होती है ठीक उसी तरह से है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से व्यवस्था की है 2 घंटे बढ़ाए हैं। जिस प्रकार से 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, अमूमन 8 बजे से होता था पहले, इस प्रकार की रणनीति रही है और 6 बजे तक मतदान होगा। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो यही है कि सब जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे और निश्चित तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो बिजली सड़क पानी का जो मुद्दा होता है निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा होता है ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन इस बार सिंपैथी का वोट भी है क्योंकि अब राजनीति दूसरे मोड़ पर आ गई है। राजनीति को समझने की जरूरत है कि जिस तरह से कभी बिजली सड़क पानी के मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन अब जिस प्रकार की राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं वो इन सबसे परे है। कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है तो कहीं दूसरे तरह की राजनीति होती है, लेकिन फिलहाल जो सीनियर बना है उसमें कहीं ना कहीं चौतरफा मुकाबला जरूर है, लेकिन कांग्रेस गदगद नजर आ रही है जिस तरह से प्रीति सत्तावत है जिस प्रकार फील्ड में उतरी है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि परिणाम तो अभी आज कैद हो जाएगा ईवीएम में, परिणाम अभी 2 तारीख को आने वाले, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार का सीनेरियो बन रहा है, जिस प्रकार की मेहनत हुई है, जिस प्रकार के प्रचार हुए हैं, निश्चित तौर पर जो मुद्दे हैं विकास के वही हावी रहे हैं रहने को तो, लेकिन प्रमुख रूप से कहा गया है कि विधानसभा का विकास होगा इस कैंडिडेट को जिताएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस कैंडिडेट है सरकार के साथ है, तो जिस प्रकार का आश्वासन दिया गया है तो अब देखने वाली बात यह है कि मतदाता किसके साथ जाता है। निश्चित तौर पर देखिए ये भी एक बड़ी चुनौती है। बने रहिए, रवि हमारे साथ बने हुए हैं, लूना राम हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक अपडेट हम आपको देंगे कि दोनों विधानसभा सीटों पर क्या कुछ चल रहा है, कार्यकर्ता किस तरीके से अंतिम वक्त में एक्टिव नजर आ रहे हैं।